नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विजय माल्या बैंकों को 4000 करोड़ लौटाने को तैयार। विभिन्न बैंकों का पैसा हड़पने वाले उद्योगपति विजय माल्या ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में ऋण के भुगतान की पेशकश की और इसके तहत उसने इस वर्ष सितंबर तक 4000 करोड़ रुपए लौटाने का वायदा किया है। माल्या के वकील ने न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में ऋण भुगतान का प्रस्ताव रखा। वकील ने दलील दी कि ऋण भुगतान को लेकर विभिन्न बैंकों से बातचीत जारी है। माल्या ने अपने प्रस्ताव में इस वर्ष 30 सितंबर तक 4000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का न्यायालय से वायदा किया है। बाकी राशि के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव भी सीलबंद लिफाफे में मौजूद है। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले अब नहीं होंगे परेशान। उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित लोगों की मदद करने वाले नेक लोगों को बेवजह परेशान किए जाने से बचाने के लिए बुधवार को इस संदर्भ में केंद्र के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति बी गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार को इन दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया ताकि मुसीबत के समय दूसरों की मदद करने वाले नेक लोगों को कोई अधिकारी प्रताड़ित न कर पाए। सड़क सुरक्षा पर पूर्व न्यायाधीश के एफ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय समिति ने अपनी इन सिफारिशों में कहा था कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की जिंदगी बचाने वाले लोगों को पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से डरने की जरूरत नहीं है। GFT जल्द बनेगा हकीकत, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि भारत वस्तु एवं सेवा कर GST के लिए पूरी तरह तैयार है और यह जल्द ही हकीकत बनेगा। 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर सिडनी आए जेटली ने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में कहा कि भारत GST लागू करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवों से काफी कुछ सीख सकता है। उल्लेखनीय है कि परोक्ष कर की दिशा में देश में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। GST पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी की आपत्तियों के कारण GST विधेयक राज्यसभा में अटका पड़ा है। भारत माता की जय नहीं बोलने पर मदरसे के छात्रों को पीटा। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में भारत माता की जय नहीं कहने पर मदरसे में पढ़ने वाले 3 छात्रों को बुरी तरह पीटने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त विक्रमजीत सिंह ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिटाई की यह घटना 26 मार्च को हुई थी। मदरसे में पढ़ने वाले 3 छात्रों दिलकश, अजमल और नईम ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि जब वह मदरसे के पास एक पार्क में खेल रहे थे तभी 3 युवक आए और उन्हें भारत माता की जय बोलने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो 3 युवकों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। अमेरिका का लड़ाकू विमान अफगानिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन गठबंधन सेनाओं के सैनिकों ने विमान के पायलट को बचा लिया। दुर्घटना एयरबेस के पास हुई। अफगानिस्तान की अमेरिकी सेना ने बुधवार को जानकारी दी कि अमेरिकी वायुसेना का F-16 विमान बगराम के हवाई अड्डे के पास मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।